ऑलराइट, आज हम कंपैरिजन करेंगे T900 अल्ट्रा का S8 अल्ट्रा स्मार्टवॉच के साथ। अब कंपैरिजन तो मैं कर लूं, लेकिन ये S8 अल्ट्रा की मुझे समझ नहीं आ रही भाई, इसके अंदर आया क्या जो इसको मैं T900 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं? क्या क्या बोला तूने? आई नो 4G स्मार्टवॉच है, कैमरा भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यार ये T900 अल्ट्रा के अंदर भी हमें मुझे काम याद आ गया, मैं करके आया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन है और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कंपैरिजन करने जा रहे हैं S8 अल्ट्रा स्मार्टवॉच का T900 अल्ट्रा स्मार्टवॉच के साथ। अब एज यू गाइस ऑल नो भाई, जो S8 अल्ट्रा स्मार्टवॉच है ना, वो एक एंड्रॉइड स्मार्टवॉच है जिसके अंदर आपको 4G सिम इंसर्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि T900 अल्ट्रा एक बजट स्मार्टवॉच है। ये दोनों स्मार्टवॉचेस अपने अपने प्राइस रेंज में ना भाई मास्टर है। मास्टर जी आपका जो भी नाम है। अब ये दो मास्टर्स को ना हम इस वीडियो के अंदर आपस में लड़ाएंगे। वेल लाइक टारगेट रखते हैं ओनली 150 लाइक। सबसे पहले अगर हम बात करें S8 अल्ट्रा के बॉक्स की, तो भाई इसका बॉक्स आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको वही सब एक्सेसरी देखने को मिलती है, स्ट्रैप्स होते हैं, चार्जर होता है वायरलेस, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्यार भी देखने को मिल जाता है। क्या बात है सर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें T900 अल्ट्रा स्मार्टवॉच की, तो भाई इसके अंदर आपको जो है ना बॉक्स का साइज आपको बहुत ही स्मॉल सा देखने को मिलता है, छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर आपको स्ट्रैप्स, चार्जर एंड वॉच देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको प्यार नहीं, बहुत सारा प्यार देखने को मिलता है। क्या बात है सर। डिजाइन की बात करें तो भाई डिजाइन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, दोनों ही स्मार्ट वॉचेस बहुत ही ज्यादा सेम दिखती हैं। स्पेशली इन दोनों वॉचेस को अगर ऑरेंज स्ट्रैप्स के साथ बाय किया जाए ना, फिर तो भाई फर्क करना ही मुश्किल होता है इन दोनों स्मार्ट वॉचेस। S8 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की जो विड्थ है ना, जो उसकी मोटाई है, वो थोड़ी सी ज्यादा है। अब ऑब्वियसली इसके अंदर आपको कैमरा भी देखने को मिलता है, 4G वॉच है, तो भाई विड्थ पे तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। स्क्रीन साइज की बात करें तो भाई दोनों ही वॉचेस का जो स्क्रीन साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों का ही सेम स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो चलो ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। देखो यार S8 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिलता है भाई एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर आपको 4G सिम कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप सिम इंसर्ट कर सकते हो। मोरओवर इसके अंदर आपको YouTube प्ले स्टोर, मतलब ये जितने भी एंड्रॉइड के एप्स है ना, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं, जबकि T8 एंड 900 अल्ट्रा के अंदर आपको ना ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती, बिकॉज ये एक जावा ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टवॉच है, इसके अंदर आपको ये फैसिलिटीज देखने को नहीं दी जाती। ये चीज ऑब्वियस है भाई, अब ये एक बजट स्मार्टवॉच है, इसके अंदर आपको ये फैसिलिटीज वो कैसे ही प्रोवाइड करते हैं भाई, प्राइस भी तो देखो। अच्छा बात नाउ दोनों ही वॉचेस की बैक साइड पे आपको कुछ सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका हार्ट रेट एंड बीपी वगैरह मेजर करेंगे। लेफ्ट साइड पे देखें तो भाई यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि S8 अल्ट्रा का स्पीकर जो है ना वो थोड़ा सा लाउड है। यहाँ पे हमें T900 अल्ट्रा के अंदर यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की देखने को मिल जाता है, जबकि S8 अल्ट्रा के अंदर यही बटन जो है ना वो बटन नहीं है, सिम कार्ड स्लॉट है। इसके साथ हमें एक छोटा सा होल भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अगर हम सिम इंजेक्टर टूल को इंसर्ट करते हैं तो भाई ये बाहर नहीं आता, क्योंकि ये एक बटन है। जबकि S8 अल्ट्रा के अंदर यहाँ पे होल पे प्रेस करने सिम कार्ड स्लॉट बाहर निकलती हुई नजर आती है, उसके अंदर सिम इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल माइक्रो सिम होती है, वो इंसर्ट हो जाती है, देन तुम लोग अपना इंटरनेट वगैरह यूज भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो कॉन मुझे नजर आया ना S8 अल्ट्रा के अंदर, वो है भाई इसका बैटरी। S8 अल्ट्रा का जो बैटरी टाइम है ना, वो लिटरली बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम। ओके, इसके अंदर आपको एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, उस वजह से इसके अंदर जो है ना वो जितने भी कंपोनेंट्स यूज हुए हैं काफी ज्यादा पावर कंज्यूमिंग होती है, तो इसके अंदर आप जोन से भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो भाई, वो बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं, आपकी बैटरी टाइमिंग जो है ना वो मुश्किल से 2 से 3 घंटे 4 घंटे निकाल लेगी, जबकि ये हमारी जो T900 अल्ट्रा स्मार्टवॉच है इसकी बैटरी टाइमिंग भाई 4 से 5 दिन निकालती है। तो इस सीन में तो भाई ये जितनी भी T8 एंड 900 अल्ट्रा स्मार्टवॉच है ना ये विन करेंगी, बट सॉफ्टवेयर की साइड पे देखा जाए तो वहां पे भाई क्लियरली जो है ना वो S8 अल्ट्रा जो है ना वो आराम से विन करेगी, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपैरिजन तो भाई उसमें हम कर ही नहीं सकते जावा के साथ। तो ये सब चीजें थी भाई दोनों ही वॉचेस के अंदर। अब देखो विनर तो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, ऑब्वियसली आपको पता है जो ज्यादा प्राइस वाली है, जिसके अंदर आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं वही विन करेगी, बट अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों वॉचेस को देखें तो भाई S8 अल्ट्रा के अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा है, जबकि T900 अल्ट्रा के अंदर आपको फीचर्स भी भर के देखने को मिलते हैं, लेकिन वो होते जावा के हैं, लेकिन फीचर्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं एंड इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है। विनर तो मैं अनाउंस नहीं कर सकता, आपको कौन सी वॉच विनर लगती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये कंपैरिजन तुम लोगों को कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय, पीस। Talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no?